अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आपको बता रही थी, हम रेटिना की बात कर रहे थे। रेटिना में आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल इट्स लेयर्स, अब कुछ और बातें रहेगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा उसके लेयर समेत बता दिया। कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं रेटिना के जो मिसिंग थे उस वक्त। अब हमारे पास कुछ ऐसा सीन है सी कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये आपकी पूरी आई वॉल है तो इसमें जो आपकी ऑप्टिक डिस्क होती है वो बिल्कुल पोस्टीरियर पोल पे नहीं होती। पोस्टीरियर पोल कौन सा है कि अगर हम ये इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड ऑफ आई है तो इसका इंटीरियर साइड का जो सेंटर है वो सीधा ज्वाइन करेगा पोस्टीरियर साइड के सेंटर के साथ, तो बनेगा पोस्टीरियर पोल। ठीक है, ये पोल है हमारा पोस्टीरियर। हमारी ऑप्टिक डिस्क इससे हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, एग्जैक्टली पोस्टीरियर पोल पे नहीं होती। तो पोस्टीरियर पोल पे एग्जैक्टली हमारे रेटिना में बेसिकली अगर आपको ये रेटिनल लेयर जा रही है तो यहाँ पर रेटिना में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, इसे एक डिप्रेशन सी होती है जिसको हम कहते हैं मैक्युला लूटिया। ठीक है, मैक्युला लूटिया आपका रेटिना का एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जो एग्जैक्टली पोस्टीरियर पोल पे प्रेजेंट है, और बेसिकली ये वो एरिया होता है जहाँ पर आपकी कॉर्न्स डेंसली पैक्ड होती हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर भी मजीद डिविजन है। मैक्युला लूटिया इस सारे पूरे एरिया कहते हैं, जैसे कप लाइक एक एरिया बना हुआ होता है जो ऑलमोस्ट 5 से 6 मिलीमीटर्स का होता है। ठीक है, वो आपका मैक्युला लूटिया होता है। फिर अब सपोज करते हैं कि ये पूरा का पूरा मैक्युला लूटिया था, मैंने थोड़ा छोटा बनाया, बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये पूरा मैक्युला लूटिया था, हमने इसको मैग्नीफाइड व्यू में देखा तो इसका जो दरमियान का 1.5 मिलीमीटर का पोर्शन है, यानी टोटली 5-6 मिलीमीटर्स है, तो इसमें से जो सेंट्रल 1.5 मिलीमीटर है, सपोज इतना सा एरिया, ठीक है, दिस इज नॉन एज योर, ये वाला जो एरिया है फोविया सेंट्रैलिस। ठीक है, इसको फोविया सेंट्रैलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उसका भी सेंटर पोर्शन है जो उसमें जो उससे भी ज़्यादा स्पेशलाइज है। मतलब मैक्युला ये पूरा एरिया था, उसके बाद उससे भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जो सेंट्रल 1.5 मिलीमीटर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉर्न्स हैं और बहुत सारी नर्व लेयर्स इसमें खत्म हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इन बातों में अक्सर लोगों को समझ जाता है कि वो कहते हैं फोविया भी एक ही चीज़ है, मैक्युला भी एक ही चीज़ है। मैक्युला एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर की चीज़ फोविया सेंट्रैलिस है। फिर फोविया सेंट्रैलिस के मजीद अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल फोविया सेंट्रैलिस के आप समझ लें सेंटर में, अगर ये पूरा 1.5 मिलीमीटर तो आप समझ लें 0.5 मिलीमीटर का एरिया, यानी इतना सा एरिया होगा। ठीक है, ये जो एरिया होता है ये बिल्कुल शाइनी अपेयरेंस वाला होता है, और बेसिकली सिर्फ ये वो वाला एरिया है जिसमें आपकी हर लेयर ख़त्म हो चुकी होती है, हर ब्लड वेसल ख़त्म हो चुकी होती है और सिर्फ कॉर्न्स हैं। जब मैक्युला की बात करते हैं ना तो मैक्युला में लेयर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होना शुरू होती हैं। फोविया की बात करते हैं तो फोविया में लेयर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती हैं, और जब हम फोवियोला की बात करते हैं, ये जो सेंटर मोस्ट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज फोवियोला, तो फोवियोला में हर चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है, सिर्फ कॉर्न्स और कॉर्न्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब आपको मैंने जब लेयर्स की बात की थी तो अगर हम ये देखें कि सिर्फ कॉर्न्स प्रेजेंट होंगे तो कॉर्न्स किस लेयर में थी, फोटो रिसेप्टर लेयर में थी, तो एक फोटो रिसेप्टर लेयर यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। और कॉर्न्स के न्यूक्लियाई किस में थे, आपको याद है उससे ऊपर हमारी एक न्यूक्लियर लेयर थी जिसे मैंने कहा था आउटर न्यूक्लियर लेयर, तो हमारे पास यहाँ पर एक आउटर न्यूक्लियर लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ कॉर्न्स हैं और कॉर्न्स के न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, उसके बाद जाहिर है अगर कॉर्न्स प्रेजेंट है तो कॉर्न्स के फाइबर्स भी होंगे, तो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर भी थोड़ी बहुत वहाँ पर मौजूद होती है। तो इस तरह से आपका ये फोवियोला बनता है। अब एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं फोवियल ए वैस्कुलर जोन, यानी कि वो वाला एरिया इस पूरे मैक्युला में जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स ख़त्म हो चुकी होती है, ब्लड वेसल्स वहाँ तक नहीं आती। ठीक है, तो वो होता है आपका फोवियोला, मतलब ये वाला जो आपका फोवियोला वाला रीजन है वो होता है, और उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया, मतलब आप इतना एरिया समझ लें। फोविया सेंट्रैलिस यहाँ से यहाँ तक था, फोविया सेंट्रैलिस से कम और फोवियोला यहाँ से यहाँ तक था, उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब इन दोनों के दरमियान का तक एरिया होता है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स नहीं आती, और उसको हम कहते हैं दैट इज़ फोवियल ए वैस्कुलर जोन। तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि हमारे पास 5-6 मिलीमीटर का जो एरिया है वो है हमारा मैक्युला लूटिया जिसमें लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता थिन होने लगती है। उसके बीच का 1.5 मिलीमीटर का एरिया है फोविया सेंट्रैलिस जिसमें आपकी लेयर्स काफ़ी कम हो चुकी होती हैं, और उसके भी सेंटर में एक एरिया है जो 0.5 या उससे भी कम मिलीमीटर्स का, जिसको हम कहते हैं फोवियोला, जहाँ सिर्फ कॉर्न्स और कॉर्न्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। और फोवियोला और उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया ऐसा होता है जिसमें आपकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती, हर तरह की कैपिलरीज वगैरह खत्म हो चुकी होती है, तो उसको हम कहते हैं फोवियल ए वैस्कुलर जोन। ठीक है जी, तो ये आपके स्पेशलाइज्ड एरिया है, और जाहिर है जहाँ पर कॉर्न्स मैक्सिमम होंगी दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम विजुअल एक्विटी, स्पेशली इन ब्राइट विजन। ठीक है, ब्राइट विजन में आपकी सबसे ज्यादा विजुअल एक्विटी इसी पॉइंट पे होती है फोवियोला पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, अब आपको पता है कि रेटिना की इतनी सारी लेयर्स हैं, यहाँ से अगर इसको हम बात करें कि ये रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है, पिगमेंट एपिथीलियम से लेकर आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक, ठीक है,
पिगमेंट एपिथीलियम के बाद क्या होता है, फोटो रिसेप्टर लेयर होती है, आउटर न्यूक्लियर लेयर होती है, फिर आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर होती है। यहाँ से यहाँ तक यानी अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से पिगमेंट एपिथीलियम शुरू होते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर्स हैं इनको अंदर से जो कोरोइड की कैपिलरीज हैं, आपको पता है कि रेटना के अंदर हमारे पास कोरोइड है, तो कोरोइड की कैपिलरीज इसको सप्लाई करती हैं अंदर की जो चार लेयर्स है, पिगमेंट एपिथीलियम, फोटो रिसेप्टर, आउटर न्यूक्लियर और आउटर प्लेक्सिफॉर्म, ठीक है। और इसके बाद की जो छह लेयर्स हैं हमारे पास जो शुरू होती है हमारे पास इनर न्यूक्लियर और फिर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर से ले, मैं आपको बताई थी कि ये हमारे पास आ जाती है ब्लड सप्लाई इसकी, और जो अंदर की बाहर की वाली लेयर्स हैं उसको सप्लाई करने के लिए आई टोल्ड यू कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आती है जिधर ऑप्टिक नर्व के सेंटर में ट्रेवल करती हुई आती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वेन और बाहर की छह लेयर्स को सप्लाई करती है। बाहर की छह लेयर्स कहाँ से, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, उसके बाद आती है आपकी जो गैंग्लियन सेल लेयर, और फिर आपकी आती है वो इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर लेयर, ये सारी जो लेयर्स हैं सप्लाई होती हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से, ठीक है। अच्छा, ये दो हमारी मेन ब्लड सप्लाई है, अंदर की तरफ से कोरोइड और बाहर की तरफ से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। और उसके बाद हमारे पास जो अगली बात है वो है जी आपकी वीनस ड्रेनेज। तो वीनस ड्रेनेज जो है वो सेम जैसे जैसे आर्टरीज उसी तरह वेन्स है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है तो उसके साथ ट्रेवल कर रही होती है सेंट्रल रेटिनल वेन्स, उस एरिया को ड्रेन करती है, और जो कोरोइड की कोरियो कैपिलरीज जाके सप्लाई करती हैं उन्हीं की तरह वेन्स भी होती हैं जो कोरोइड की तरह में आके ड्रेन कर रही होती हैं। फिर हमारे पास अगली चीज़ है ब्लड रेटिनल बैरियर। अब ब्लड सप्लाई रेटिना के पास है तो सही, लेकिन स्टिल रेटिना में मिक्स नहीं हो जाती ब्लड सप्लाई, सारा का सारा ब्लड जाके रेटिना में लॉज नहीं करता, बिकॉज रेटिना इज ऑल्सो हैविंग लाइट रिसेप्शन। लाइट रिसीव तभी होगी जब एक एरिया ट्रांसपेरेंट होगा, अगर एक एरिया में खुद ही ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तो वो एरिया लाइट कैसे रिसीव करेगा। सो हमारे पास ब्लड और रेटिना के दरमियान में बैरियर होता है, बैरियर दो चीज़ें बनाती है, सबसे पहले जो कैपिलरीज सप्लाई करने आती हैं हर कैपिलरी को एक एंडोथीलियम ने लाइन किया होता है, तो जो कैपिलरीज हमारे रेटिना को सप्लाई करी उनका एंडोथीलियम स्ट्रांगली बाउंडेड है, उनके एंडोथीलियम में गैप्स या फेनेस्ट्रेशंस नहीं प्रेजेंट, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड जो है वो सारा का सारे सब्सटेंसेस बाहर नहीं जाते, सिर्फ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैपिलरीज से फ्यूज करके बाहर जाते हैं और वो सप्लाई करते हैं जितने ज़रूरत होते हैं फॉर द रेटिना। ये तो एक हो गया बैरियर, इंटरनल बैरियर। दूसरा जो बैरियर होता है वो हमारे पास जो हमारा रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है, सबसे बाहर जो लेयर है, सॉरी सबसे अंदर जो लेयर है रेटिना की, वो भी आपस में उन सेल्स की बड़ी टाइट जंक्शन होती है, तो वो टाइट जंक्शन जो है वो भी आपकी कोरियो कैपिलरीज से ब्लड को अंदर रेटिना की किसी लेयर तक जाने देती ही नहीं है, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल बैरियर। तो ये बैरियर आपके रेटिना को नॉर्मलाइज रखता है। फिर फंक्शंस क्या है रेटिना के, रेटिना के फंक्शंस आपको पता है, सबसे पहला काम है इसका इमेज बनाना, विजुअल एक्विटी जो हमारी है वो रेटिना की वजह से है, रेटिना में अगर फोटो रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो विजुअल एक्विटी भी नहीं होगी, तो विजुअल एक्विटी हमारी जो होती है वो इसी की वजह से होती है। फिर जो हमारा अभी आप पढ़ेंगे आगे, या आपने फिजियोलॉजी में बल्कि पढ़ी होगी बात, कि कलर विजन भी हमारा रेटिना बनाता है, कलर्स की डिफ्रेंसिएशन कौन सा कलर कैसा है ये भी रेटिना का काम है। फिर जो रेटिना में हमारी रॉड्स हैं, कलर विजन ना बेसिकली हमारी कॉन्स कर रही है, ठीक है, जो आपकी रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट है उससे कॉन्स कलर विजन का रिस्पॉन्सिबल होती है, जो रॉड्स हैं आपकी वो डार्क विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका नाइट टाइम में जो हम विजन होता है नाइट में, रात को जो आपको हल्का सा अंधेरा होता है या ज़्यादा अंधेरा होता है तो भी आपको नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल अंधेरा ना हो तो भी आप देखते हैं, तो वो रॉड्स की वजह से होता है। एंड कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, अगर हम दो रंगों को एक दूसरे से मुख्तलिफ देख सकते हैं तो वो भी हमारे इन रॉड्स एंड कोन्स की वजह से, स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं, यू हैव मस्ट हैव रेड इन फिजियोलॉजी, यहाँ पर अगर जिक्र आया तो मैं ज़रूर रिपीट करूँगी उनके बारे में, कि आपका अगर एक कलर आपका पिंक लाइट है और एक पिंक डार्क है और आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से कर सकते हैं तो वो सिर्फ इस वजह से कर सकते हैं बिकॉज रेटिना में कॉन्स में कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है जो कि एक कलर को दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट करने के हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपका जनरल तो सारा का सारा खत्म होता है। अभी तो कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।